तो हमको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है सेकंड जो कि इन्होंने ड्राइविंग स्कूल की बात की हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनिंग के दौरान हमें मोटर ड्राइविंग भी सिखाया जाता है क्योंकि एक ज़रूरी इल्म है तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया था तो अभी मैंने फ़्रेश अप्लाई किया है और मैं ख़ुद एग्जाम देने के लिए ताड़देव में जो आर है वहाँ पर गया और उसमें से दस सवाल होते हैं और अभी जो सिस्टम है उसमें से दो सवाल तो एक तो वक्त की वजह से मेरे छूट गया और एक सवाल शायद गलत हो गया तो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है ऐप बेस्ड हो गया है तो कई चीज़ें हो रही हैं लेकिन सिर्फ जो एक बात है और ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि जब हम चीज़ों को बदलते हैं तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि एक सौ करोड़ लोग जहाँ पर हैं और यहाँ सिर्फ एक करोड़ लोग हैं वो तो कॉम्परेबल नहीं हो सकते मुंबई शहर में करीब पच्चीस लाख गाड़ियाँ हैं पच्चीस लाख गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अमला है वो करीब तैंतीस लोगों का है और जो आरटीओ है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का है उनके तीन या चार ऑफिसर्स हैं और हाईली अंडरस्टाफ हैं जो हमारी जानकारी है तो क्या होता है कि हमको ये जो डिपार्टमेंट है आर टी ओ का उसको सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट ना समझते हुए वो लोगों की लाइफ और सेफ्टी से कंसर्न और कनेक्टेड डिपार्टमेंट है ये समझ करके हम उसको अगर ट्रीट करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी अभी डिफिशेंसी है वो हम उसको भर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमारे पूरे निज़ाम या सिस्टम ने एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट समझ लिया है इसकी बजाय हमें उसे किसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरह एक लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट समझना होगा एक ऐसा डिपार्टमेंट समझना होगा जैसा कि हमें जया खालिद भाई ने बताया कि 350 लोगों की योमिया यानी रोज़ाना मौत को जिसके ज़रिए कम किया जा सकता है